शाबाश, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इलेक्ट्रिक पॉइंट में। फ्रेंड, हाल ही में लॉन्च हो चुका है ओलेड टीवी और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सभी ने अपने अपने मॉडल मार्केट के अंदर उतार दिए हैं और उनकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा है, 1 लाख रुपए से सभी लगभग स्टार्ट हैं। तो फ्रेंड, क्या वाकई में इनकी कीमत इतनी ज़्यादा है या कंपनी इन्हें इतना महंगा बेच रही है? और फ्रेंड, जो LED टीवी हैं जिनका स्क्रीन साइज काफ़ी ज़्यादा है जैसे कि 55 इंच, 60 इंच, वह भी काफ़ी महंगे हैं और 50,000 से ऊपर की रेंज में ही वह मार्केट में अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड, आज आप ये वीडियो देखते रहिए क्योंकि आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि एक LED टीवी को घर पर किस तरीके से बनाया जाए। इसके अंदर फ्रेंड मैं आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा कि कौन कौन से कंपोनेंट की आपको ज़रूरत है, वह आप कहाँ से खरीदें और उनके कनेक्शन बड़ी आसानी से किस तरीके से करें, इन सब के ऊपर फ्रेंड आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी LED टीवी को बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है इसके मदरबोर्ड की। मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मदरबोर्ड अवेलेबल हैं और जो आप अपनी स्क्रीन पर मदरबोर्ड देख रहे हैं उसका नंबर है TR8503। यह मदरबोर्ड मैंने मार्केट से लिया है। इससे पहले मैंने कंप्लीट वीडियो डाली थी मदरबोर्ड के बारे में और उसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था, उसको भी आप वॉच कर सकते हैं, उसका लिंक ऊपर दिया हुआ है। उसमें अधिकतर कमेंट मैंने ये रिसीव किए थे कि सभी यूज़र ने पूछा था कि इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बारे में वीडियो बनाएं, जिसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन एक नया बोर्ड भी मार्केट में आ गया है जिसका मॉडल नंबर है T56U112। इस मदरबोर्ड में कोई भी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, यह यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर इसके अंदर इनबिल्ट है और उसको इस्तेमाल करते हुए आप इस उस वाले मदरबोर्ड को किसी भी टीवी में लगा सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन उस मदरबोर्ड में नहीं है। दूसरे नंबर पर ज़रूरत पड़ेगी एक इन्वर्टर कार्ड की जो वोल्टेज को इंक्रीज करके बैकलाइट के अंदर देता है। मदरबोर्ड और इन्वर्टर कार्ड की कार्य प्रणाली के ऊपर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, आपके लिए लाभकारी होगा कि आप वह वीडियो भी देख लें। उन दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तीसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इसकी पावर सप्लाई। या तो आप एक इंटरनल पावर सप्लाई का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप एक एक्सटर्नल अडैप्टर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी टेक्निकल एक्सपर्टाइज ज़्यादा है तो आप बेझिझक इंटरनल सप्लाई का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपको उसके कनेक्शन करने में प्रॉब्लम होगी तो आप एक 12 वोल्ट 2 एम्पियर का एक अडैप्टर लें और उसको अपने मदरबोर्ड में लगा दें। चौथी और सबसे आखिरी समझ चीज़ है इसका पैनल। यह LED टीवी में सबसे ज़्यादा महंगा होता है और जितना बड़ा टीवी होगा, जितना बड़ा साइज होगा, उसी हिसाब से इस पैनल का रेट भी बढ़ता जाएगा। अगर हम 32 इंच के पैनल की बात करें तो ये 5,000-4,000 के करीब आपको मार्केट में मिल जाएगा। अब आपके सारे पार्ट्स तैयार हैं, अब हमें इनको असेंबल करना है। तो सबसे पहले जो पैनल हमारे पास है हमें ये पता होना चाहिए कि कितने वोल्टेज पर वर्क कर रहा है, इसका पता चलेगा इसकी डेटा शीट को पढ़कर।
फर्ज करिए कि हमें पता चल चुका है कि हमारा पैनल कितनी वोल्टेज पर वर्क करेगा, तो हम अपने मदरबोर्ड से उतनी ही वोल्टेज को सेट करेंगे। उसके लिए एक 3-पिन स्विच यहाँ पर दिया हुआ है, उसको एडजस्ट करके हम उतनी ही वोल्टेज सेट कर सकते हैं कि कितनी वोल्ट जितनी वोल्टेज LVDS कनेक्शन के थ्रू हमारे पैनल के अंदर जाएगी। यहाँ पर ये 3-वे स्विच लगा हुआ है जो 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट और 12 वोल्टेज हमारे पैनल में डिलीवर कर सकता है, तो इस स्विच के थ्रू हमें वह एडजस्ट करनी है। अब हम LVDS कनेक्शन को लगाने वाले हैं और यकीन मानिए यह सबसे मुश्किल काम होता है LED TV को बनाने में, क्योंकि इसके अंदर 20 से लेकर 30 कनेक्शन होते हैं और सभी के सभी बिल्कुल सही होने चाहिए। इसके सबसे आसान तरीका है फ्रेंड, मैंने इससे पहले एक वीडियो बना चुकी है जिसमें मैंने कंप्लीट एक एक कनेक्शन के बारे में बताया कि इसको किस तरीके से किया जाए, तो आप वह वीडियो देख लें और उसके बाद फिर आप यह वीडियो देखें, क्योंकि आपको इसके LVDS कनेक्शन करने आ जाएंगे उस वीडियो को देखकर, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यह इस LED TV के बटन है और रिमोट का सेंसर है, यह सब इसके मदरबोर्ड के साथ ही आपको अवेलेबल होगा। यह इसका इन्वर्टर कार्ड है जो मैंने पैनल की बैकलाइट से कनेक्ट कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, हमारा टीवी बन गया और बिल्कुल सही तरीके से चल गया है, लेकिन फ्रेंड इसमें अभी भी एक कमी है और मैं चाहूंगा कि आप उस कमी को गैस करें। वह यह है कि इसके अंदर साउंड नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर अभी तक हमने स्पीकर नहीं अटैच किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसके अंदर एक स्पीकर भी अटैच कर देते हैं और आपको इसके अंदर कुछ चलाकर दिखाते हैं।